हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा पाँच का जो पेपर है गणित का उसके बारे में समय अवधि आपकी ढाई घंटे की रहेगी नीचे कुछ निर्देश दे रखे हैं जिन्हें आप ढंग से पढ़ लें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न करें और एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें सभी प्रश्न को हल करें जितना आता हो उतना लिखें तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ सभी क्वेश्चनों के उत्तर आपको बताए जाएंगे तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें बिल्कुल निश्चिंत रहें पहला क्वेश्चन है समकोण का मान होता है समकोण का मान सदैव होता है नब्बे डिग्री ये आपको याद कर लेना है हमेशा सेम रहता है वैल्यू कोई चेंजेस नहीं आते हैं ब्रैकेट में आपके उत्तर लिखा हुआ है तो आप याद कर लें क्वेश्चन नंबर सेकंड है नीचे दी गई आकृतियों में सभी कोणों को पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में लिखिए न्यून कोण होते हैं नब्बे डिग्री से कम और समकोण आपको पता है अभी बताया है नब्बे डिग्री होता है तो देखिए तो आकृति वन में एक भी कोण नब्बे डिग्री का नहीं है और आकृति दो में कोण नंबर तीन नब्बे डिग्री का है तो आपके न्यून कोण हो गए आकृति वन में कौन ए कौन बी और कौन सी नीचे उत्तर भी लिखे हुए हैं वैसे देख लें और इसमें अगर हमसे समकोण पूछा जाए तो समकोण हो गया ई e. अदरवाइज न्यून कोण इसमें हो गए डी और एफ पहली आकृति में कोई समकोण नहीं है तो आपको उत्तर लिखना है कोई समकोण नहीं है और दूसरी आकृति में आपको समकोण लिखना है कौन ई e. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए उत्तर है तो आप वैसे भी देख सकते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सत्य है इसके लिए आपको बड़े और छोटे की पहचान होनी चाहिए चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में आपने देखा पाँच सौ दे रखा है लास्ट में जो छोटा होता है छह सौ पाँच से आप सभी को पता है दूसरे में पच्चीस आठ सौ छः है और पच्चीस आठ सौ आठ आठ सौ छः हमेशा आठ सौ आठ से छोटा होता है तो ये भी गलत है छः है पाँच सौ छब्बीस पाँच सौ अस्सी छोटा है छब्बीस पाँच सौ आठ सौ पचास से छब्बीस पाँच सौ अस्सी छोटा है छब्बीस आठ सौ पचास से बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा और एक उत्तर निकल गया आपका तो डई दया आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए प्रत्येक प्रश्न के सामने सही और गलत लिखिए तो पहला है संख्या दो बीस हज़ार पहला क्वेश्चन है संख्या बीस हज़ार पाँच को शब्दों में दो हज़ार पाँच लिखते हैं गलत है मैंने अभी आपको बोला बीस हज़ार पाँच तो वो बोलते हैं तो इसलिए ये गलत है दूसरा है संख्या छत्तीस में अंक छः का स्थानीय मान छः है तो आप देखिए पाँच हो गया इकाई के अंक पे सात हो गया दहाई तीन हो गया सैकड़ा और छ हो गया हजार तो छः का स्थानीय छः हज़ार यानी कि बिल्कुल सही है पहला गलत दूसरा सही तीसरा देखते हैं संख्या सत्तर हजार पाँच सौ को अंकों में ये लिखते हैं ये भी बिल्कुल सही है तो आपका पहला गलत है और बाकी के दोनों सही हैं क्वेश्चन नंबर पाँच है आपका नीचे दिए गए चित्र में छांकित भाग का भिन्न एवं दशमलव रूप लिखिए तो टोटल भाग कितने हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टोटल भाग को हम लिखते हैं नीचे दस भाग हैं टोटल और छाया वाले भाग कितने हैं एक भाग छाया वाला दो भाग छाया वाला और तीन भाग छाया वाला तो इसको हम कैसे लिखेंगे तीन बटा दस ये हमारा दसमलव रूप हो गया उत्तर देखना चाहते हैं आप तो ये देखिए भिन्न रूप हो गया तीन बटा दस और दसमलव रूप हो गया तीन में दस का भाग देंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा तीन के आगे आपका आंसर क्वेश्चन नंबर छः है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए पहला है भावना ने बाजार से छः मीटर लंबी रस्सी खरीदी इसे वह चार सहल्यम बराबर बांटती है तो प्रत्येक को कितनी मीटर लंबी रस्सी मिलेगी तो छ मीटर खरीदी है उसने कितनी खरीदी छः मीटर तो छः को चार सहल्यूम बांटना है तो छः में चार का भाग देंगे आपका उत्तर आ जाएगा तो प्रत्येक को कितनी लंबी रस्सी मिलेगी देख को मिलेगी एक पॉइंट पांच मीटर लंबी रस्सी भाग देंगे आप तो आपका आएगा एक पॉइंट पाँच उत्तर की जांच कैसे करते हैं एक पॉइंट पाँच को चार से मल्टीप्लाई कीजिए अगर ये आंसर आ रहा है आपका अच्छा छः तो आपका उत्तर एकदम सही है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात की तरफ सॉरी सेकेंड के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है दोनों को फॉलो करके कर कर रखें दोनों पे अपडेट मिलती रहती है चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो चाहे पी चाहे आपके उत्तरों से रिलेटेड तो उनको ज़रूर फॉलो करें इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो आइए बढ़ते हैं आगे ये देखिए इन्होंने लिखा है एक से एक बटा दो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव को क्या बोलते हैं हम डेढ़ बोलते हैं और इसको भी हम क्या बोलेंगे डेढ़ यानी कि एक से एक बटा दो नए क्वेश्चन है नारायण को एक कमीज बनाने के लिए एक पॉइंट फाइव मीटर कपड़ा चाहिए एक पॉइंट फाइव मतलब एक और आधा तो ऐसी ही दो कमीज के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी तो एक को चाहिए डेढ़ तो दो को चाहिए वन पॉइंट फाइव इंटू टू यानी कि थ्री ये आपका आंसर रहेगा इसको आप जैसे इसने दे रखा है वैसे भी कर सकते हैं अदरवाइज वन पॉइंट फाइव को आप टू तो से मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात है किसी संख्या का चरम अंक है तो किसी संख्या का चरम अंक होता है इकाई का अंक ऑप्शन नंबर ए आठ नंबर क्वेश्चन है निकलम विधि से गुणन फल करो तो बारह इंटू चौदह निकलम विधि से क्या करना है हमको बेस लेना है और बेस से वो कितना ज़्यादा है उसकी संख्या लिखनी है तो हमारी तो पहली संख्या है बारह और दूसरी संख्या है चौदह तो ये बेस हमने क्या माना है दस तो दस में कितना जोड़ रखा है हमने दो और दूसरे में दस वे वैल्यू क्या जोड़ रखा है चार जब भी हमारा चौदह आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना है जो हमने जोड़े हैं उनको मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई कर लिया मल्टीप्लाई करने पे क्या आया आठ और तो 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 किन्हीं दो को क्रॉस में यानी कि या तो इन दोनों को या फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए बारह प्लस चार कितना हुआ सोलह या फिर चौदह प्लस दो कितना हुआ सोलह तो सोलह इन इन दोनों से आया और आठ इनके मल्टीप्लाई करने से आया तो सोलह और ये आठ हमारा आंसर हो गया एक सौ अड़सठ ये आपका आंसर हुआ और नॉर्मल आंसर चेक करने के लिए आप नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए नॉर्मल मल्टीप्लाई में जो आंसर आएगा वही निकलम विधि में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा तो दोनों आंसर सेम होने चाहिए आपका उत्तर सही हो जाएगा ये आपका उत्तर चेक करने का तरीका रहेगा क्वेश्चन नंबर नौ है निम्नलिखित को हल कीजिए पहला है यदि नोहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया पाँच सौ हो तो पंद्रह व्यक्तियों का किराया कितना होगा एक का जितना है पाँच तो पंद्रह का कितना होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एक के में तो पाँच सौ पचास इंटू पंद्रह आपका उत्तर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है नीरज के पास नौ सौ चौरासी केले हैं तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक दर्जन में होते हैं बारह केले तो नौ सौ चौरासी केले हैं आपका टोटल तो नौ सौ चौरासी में आप भाग दीजिए बारह का आपका आंसर आ जाएगा जितना आपका इधर आंसर आए यानी कि बयासी आंसर आ रहा है तो आपका उत्तर है बयासी दर्जन केले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका छत्तीस व चौवन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है तो आपको क्या करना है इन दोनों के गुणनखंड करने हैं छत्तीस के गुणनखंड हुए आप गुणनखंड स्टार्ट कर सकते हैं दो से एक तो सब में कॉमन रहेगा तो एक को आप इग्नोर भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं तो आप अच्छा होगा लिख लें पहले एक लिख लें फिर आप अगर वो सम संख्या है तो दो से स्टार्ट करें अगर विषम संख्या है तो आप देख लें कि वो उसका भाग तीन से जा रहा है किस से जा रहा है उस प्रकार से आप इनका भाग दे के निकाल सकते हैं तो ये इनके सारे गुणनखंड हैं अब इनमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि दोनों में जो कॉमन सबसे बड़ी संख्या है देखिए एक कॉमन है लेकिन छोटा है दो कॉमन है लेकिन छोटा है तीन कॉमन है छः कॉमन है नौ कॉमन है और अठारह कॉमन है अठारह के बाद कोई कॉमन नहीं है तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या हुई हमारी अठारह तो ये हमारा आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग्यारह निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए देखिए पहला क्वेश्चन है छूटे गए अंक लिखिए तो छूटे गए अंक आपको यहाँ पे दे रखे हैं चार और दो करके ये छोटे हुए अंक के तो आप इसको याद कर लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है तीन हज़ार एक सौ बाईस आठ हज़ार पचास तथा सात सात सौ अड़तीस का योग कीजिए इजी क्वेश्चन है देख लीजिए ये आपका उत्तर रहेगा सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या पूछा है नमन के पास बारह हज़ार पाँच सौ रुपये हैं उसने ढाई सौ रुपये की सिलाई मशीन तथा आठ हज़ार रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी है यानी कि जो खरीदी है उसको आप जोड़ लें खरीदने पर उसके कितने पैसे खर्च हो गए उसके खर्च हो गए दस हज़ार पाँच सौ और उसके पास टोटल कितने थे बारह हज़ार पाँच सौ तो बारह हजार पाँच सौ में से दस हज़ार पाँच सौ खर्च हो गए तो कितने बचे बारह हज़ार पाँच सौ में से दस हज़ार पाँच सौ घटा देंगे तो उसके पास बचे हैं दो हज़ार रुपये ये आपका उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बारह नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है इसको देख लें आप आराम से और इसक्रीन शॉट भी ले सकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे आंसर लिखे हुए हैं तो आप जल्दी से लिख लें क्वेश्चन नंबर तेरह आपसे पूछा है तीन घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं तो आप सभी को पता है एक मिनट में होते हैं ए, एक मिनट में होते हैं साठ सेकेंड एक घंटे में होते हैं साठ मिनट एक घंटे में साठ मिनट होते हैं तो दो घंटे में होंगे एक सौ बीस मिनट और तीन घंटे में होंगे कितने एक सौ अस्सी मिनट तो आप साठ को तीन से मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर चौदह आपसे पूछा सत्य सत्य मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को साठ का भाग देते हैं गलत है मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट का साठ से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा है एक घंटे में छत्तीस सौ सेकेंड होते हैं बिल्कुल सत्य है थर्ड है आधा घंटा पंद्रह मिनट के बराबर होता है नहीं आधा घंटा होता है तीस मिनट के बराबर क्योंकि एक घंटे में होते हैं साठ मिनट तो आधे घंटे में होंगे साठ बटा दो यानी कि तीस मिनट यह हमारा ये असत्य है क्वेश्चन नंबर पंद्रह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पंद्रह सौ ग्राम बराबर हमारा हो गया एक से एक बटा दो किलोग्राम एक किलोग्राम में होते हैं एक हज़ार ग्राम सेकंड है तीन से एक बटा दो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो अभी जैसे ऊपर बताया वैसे ही इसका आंसर है तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सभी क्वेश्चनों को देख लें याद कर लें रट लें और जो चैनल पर नए हैं अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है दोनों को फॉलो करके कर रखें नई अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू